तो चंद्रमा का कैसा, क्या बताता है चंद्रमा के गुण? काल्पनिकता, कवित्व, साहित्य, संगीत प्रेमी, सद्गुण, जल तत्व, परोपकार, उदारता, संतोष, शांति प्रियता, एकांत वास, आलस्य, स्वप्न में विचरित, मनोविज्ञान, मन की गतिविधियां, भावुकता, दार्शनिकता, दयालुता, यात्रा, सदाचरित्ता, मधुरभाषी, शांत, आंत संबंधी रोग। चंद्रमा एक और चीज देता है, जैसे बुध जो है वो नर्वस सिस्टम वीक करता है, उसी तरह से चंद्रमा साइकोलॉजिकल इशू देता है। ठीक है, व्यक्ति को साइकोलॉजी से रिलेटेड समस्याएं देता है। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा को सबसे पहले हाथ में देखना जरूरी है। चंद्रमा अगर अच्छा है, शेप है, बना हुआ है, बलिष्ठ है, तो ऐसे व्यक्ति के मन की स्थिति अच्छी है। ओवर डेवलप होना भी अच्छा नहीं है और अंडर डेवलप होना भी अच्छा नहीं है। ओवर डेवलप हो जाए तो व्यक्ति हर चीज इमोशन में रह के करेगा, कोई भी डिसीजन लेना हो तो इमोशनली लेगा। अंडर डेवलप हो तो उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, कंफ्यूज, उद्देश्यहीन। अंडर डेवलप रहे तो उद्देश्यहीनता रहता है। ठीक है, अब इसमें तीन भाग बताए गए हैं। पहला भाग प्रथम क्षेत्र, बुद्ध क्षेत्र के ओर, मतलब ऊपर वाला हिस्सा। दूसरा भाग मध्य भाग होता है, और तीसरा जो है मणिबंध की ओर वाला हिस्सा। ठीक है, इस तरह से तीन भागों में बांटा गया है। यदि चंद्र पर्वत का पर्वत उठा हो तो मांस मस्तिष्क रेखा भी अच्छी स्थिति में हो तो जातक रचनाकार होता है। ठीक है, जो भी मैंने कहा कि इमोशन से रिलेटेड लोग काम करेंगे या इमोशनली डिसीजन लेंगे, तो कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, कल्पना और इमोशन का कनेक्शन होता है। अगर किसी के हाथ में चंद्रमा बलिष्ठ है और मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, तो ऐसे लोग कल्पनाओं को शब्द देते हैं, कहानियां लिखते हैं, उनके लिखने की कला में बहुत प्रभाव देने वाला लिखते हैं वो। साथ में बुध पर्वत मजबूत हो और मंगल भी मजबूत हो, तो ऐसा व्यक्ति जर्नलिस्ट बनता है, प्रिंट जर्नलिस्ट, लिखने वाला, या व्लॉगर, आज के डेट में व्लॉगिंग कह सकते हैं, जर्नलिज्म के साथ साथ व्लॉगिंग भी आ जाता है, BLOG, ब्लॉग। क्योंकि ब्लॉगिंग से जितनी कमाई होती है, प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग वालों को उतनी कमाई अभी आज के डेट में नहीं हो रही है। अरे माही वे तो आज का रास्ते में है। ठीक है, यदि चंद्रमा पर्वत उठा हो और हाथ में अन्य अशुभ लक्षण हो तो जातक उन्माद और मनोरोग का रोगी होगा। अब ये समझना थोड़ा सा, इसमें ये तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों के बारे में बहुत विस्तार नहीं दिया, मैं थोड़ा सा ये तीन भागों में बांटने का कारण बता देता सर पेज नंबर बता देंगे, मैंने लेट ज्वाइन किया है। पेज नंबर 90, 90, सर 90 एंड 91। हाँ ब्लॉगर जी, में क्या क्या बताया आपने, क्या क्या उठा होना चाहिए? ब्लॉगिंग में चंद्र पर्वत, मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन और बुध का पर्वत।